वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट यहाँ पे चार्ट एनालिसिस भी देखेंगे। मंडे के दिन क्या हो जाएगा, कहाँ पे सपोर्ट लग सकता है और कहाँ पे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेल स्टॉक ने यहाँ पे फ्राइडे थर्सडे के दिन 51.55 पे यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। यहाँ पे गैप अप से ओपन होने के बाद यहाँ पे गिरावट नजर आ चुकी थी और तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि ओपन 51.85 पे हुआ था, हाई बनाया था 51.95 का और लो था 51.20 का। मार्केट कैप तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते 17.90,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है बेल स्टॉक की। तो बेल स्टॉक ने पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से चौपी मूवमेंट रह चुके हैं। तकरीबन 52 लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग चुका है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लगे गिरावट नजर आ चुकी थी यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल स्टॉक के अंदर। और 50 लेवल से एक बार यहाँ पे बाउंस बैक भी दिखाया था स्ट्रॉन्ग। तो पिछले 1 मंथ की भी बात की जाए तो 1 मंथ में यहाँ पे गिरावट के बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी बेल स्टॉक ने, पर यहाँ पे आप देख सकते करंटली मूवमेंट अच्छी नहीं दिखाई दे रही, एक चौपी सी मूवमेंट बना के यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी स्लो मूवमेंट हो चुकी है बेल स्टॉक की। तो चार्ट एनालिसिस भी देखी जाए बेल स्टॉक की तो बेल स्टॉक करंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 लेवल के बीच में ज्यादातर ट्रेडिंग करता था। तकरीबन ये डेली चार्ट फ्रेम का चार्ट एनालिसिस है। ऊपर की लेवल जो 80 लेवल और नीचे की यहाँ पे आप देख सकते 45 लेवल तकरीबन, इसके बीच में ज्यादातर ट्रेडिंग होती थी यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल स्टॉक की। तो करंटली जब भी यहाँ पे ऊपर जाता था तो नीचे आता, बीच की में जो लेवल है वो 56 लेवल जो कि यहाँ पे आप देख सकते पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों लिए गए थे यहाँ पे आप देख ए लेवल पे, तो भी ऊपर जाता है बेल स्टॉक तो वो लेवल भी इंपॉर्टेंट रहने वाले बेल स्टॉक के लिए। करंटली यहाँ पे आप देख सकते करंटली ऊपर सेटल होता है रिसेंटली तो 55 to 56 लेवल तक जाने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं बेल स्टॉक के लिए। और इंट्राडे के लिए बेल स्टॉक में इन्वेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते कि आप क्या कर सकते हो इंट्राडे के लिए बेल स्टॉक के लिए। तो करंटली यहाँ पे आप देख सकते कि 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात देखी जाए तो बेल स्टॉक को यहाँ पे आप देख सकते जो रजिस्टर एक्ट होगा यहाँ पे आप देख सकते तो यहाँ पे आप देख सकते तकरीबन ये जो 51.40 लेवल जो है यहाँ पे आप देख सकते ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल बन सकती है बेल स्टॉक के लिए। सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन सेम लेवल पे ओपन होता है बेल स्टॉक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं 51.20 to 51.40 लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल बन सकती है बेल स्टॉक के लिए। वहां से आप देख सकते हैं बाउंस होने के चांसेस ज्यादा दिखाई देंगे बेल स्टॉक के। तो बेल स्टॉक के ओ लेवल को ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और नीचे गिरावट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया पर रेड कैंडल का जो लो है वो ब्रेक नहीं किया। जैसे सेम लेवल में यहाँ पे आप देख सकते कि ये भी कैंडल में यहाँ पे गिरावट आई थी पर इसका लो को ब्रेकआउट नहीं दिया था। तो इसी की तरह यहाँ पे आप देख सकते कोई रेड कैंडल ब्रेकआउट देती है और उसका लो को ब्रेक मिलता है तो सेलिंग में पोजीशन बन सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते अपर साइड में भी देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते 52 लेवल को ब्रेकआउट मिलता है तो ये एक अच्छा मोमेंट मिल सकता है और 52 के पास यहाँ पे सेलिंग के लिए मौका मिल सकता है इंट्राडे के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट बेल स्टॉक के लिए।